Krishna, 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 Krish
हो जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्ण शरण। गीता जी का प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य विषय है, और भगवान ने स्पष्ट अपने श्री मुख से फरमा दिया, नहीं चाहे जहाँ नहीं कोई जान सी करे पाप पुत्र इंसान की ज्ञान प्रतिशम भगवान ने घोषणा की, ज्ञान से भरकर अंतःकरण को निर्मल एवं स्वच्छ करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान जी का गीता में जो बार बार कहना है वह है ज्ञान के कारण से। हमारे उस कुटी के ऋषियों ने यह निर्णय करके हमें बता दिया कि तीन गांठें हमारे मनों में रहती है, निर्णय सुनो अविद्या काम और कर्म। अविद्या अर्थात यथार्थ का या वास्तविक का होना, अपने सरकारवश संसार को समझते रहना, और संसार को जो भगवान ने बनाया वो एक है, कितना अच्छा होगा भगवान की दृष्टि से संसार को देखा जाए। हम अपने संस्कारों की दृष्टि से संसार को देखते हैं, अपने रंग में संसार को रंगते हैं, नाना प्रकार के प्राण पदार्थों की वास्तविकता को न जानते हुए हम अपनी वास्तव मन में रख के किसी को प्रिय किसी को अप्रिय किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल किसी को फेवरेबल किसी को अनफेवरेबल किसी को प्लेजेंट किसी को अनप्लेजेंट किसी को अट्रैक्शन में किसी को रिपल्शन में यू मांग करके अपनी छोटी सी जीव की सृष्टि चला रहे हैं। भगवान की सृष्टि कुछ और है, हमारे अपने महत्व अटैचमेंट और अपनी वासनाओं की सृष्टि कुछ और। कितना अच्छा होता है शुरू में हमें विद्या मिल जाती, ज्ञान मिल जाता, बस इतना ही मन को पकड़ते रह जाती है। हम लोग अविद्या में ग्रस्त हुए, असलियत की पहचानना हुई, अपने ही ख्यालों और वासनों की दुनिया में रहे, जिसके कारण से क्या हुआ उथल पुथल, जिसके कारण से क्या हुआ हलचल, वासनाएं कामनाएं इच्छाएं राग और द्वेष, और मन में कभी कुछ ये चक्कर चलता ही रहा, और हम हैरान परेशान अपनी ओर से होते रहे। अगले बार हम कृतज्ञ हैं, बड़े धन्यवादी हैं अपने इष्ट भगवान जी ने, जिन्होंने अविद्या को दूर करने की क्षमा पैदा की है, नहीं तो इसी अविद्या के कारण से दूसरी गांठ लग जाती है अंतःकरण में काम कामनाएं, उसके बाद तीसरी गांठ लगती है गर्दन तोड़ परिश्रम अविद्या काम कर्म। कर्म कामों को पूरा करने के लिए दिन और रात हमें एक करना पड़ जाता है, दिन रात हम जुट जाती है अपने वास्तव पूर्ति के लिए, लेकिन वो तो पूर्ति तो होती नहीं। हमने खूब विचार किया जैसे अग्नि में घी डालने से वो प्रज्वलित होती है, इसी तरह वासना कामों की पूर्ति से वो और बढ़ती है, गई पहाड़े पड़ जाती है, केवल आप मल्टीप्लिकेशन और हो जाता है और आगे, वरना हर इंसान बादशाह होता, हर इंसान हरियाणा के चेहरे पर जलाल होता, यानी और दिव्य प्रकाश प्रतीत होता, दिव्य ज्योति झलकती, लेकिन नहीं। कारण कारण यही है, इन भूल नहीं होने से
उनमें से और निकल आती है और फिर चक्कर में पड़ जाती है, फिर नई वास निकल जाती है, फिर चक्कर में पड़ जाती है, बस जिंदगी इसी तरह तलाक होती चली जाती है। अब जब तक कि अविद्या को दूर नहीं करेगा, दूसरी गलत अविद्या काम की दूर नहीं होगी, कामनाओं की, और फिर कर्म की दिन रात पड़ता रहेगा। और ये अपने आप को स्मार्था समझेगा बहुत अच्छा। हमारे भगवान किसे कहते हैं, बाकी अगर तो बहुत अच्छे होते हैं तो प्रशांत क्यों नहीं हो, आनंदित क्यों नहीं हो, यानी विजडम की का प्रमाण क्या है। अगर हम बहुत ही बुद्धिमान है, बड़े मेधावी है, बड़ी दूरदर्शिता से काम लेती है, तो उसका गीता जी के विश्लेषण के अनुसार एक ही जो है प्रमाण है, अगर तुम ऐसे हो तो तुम गम में करो, तुम दुख में करो, तुम चिंता में करो, तुम बेचैन करो, तुम्हारे बैलेंस या इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो। मराठी का ये प्रमाणित रूप वही ज्यादा दरा है, क्या सिताए न दाना को रंजुआला मरे कर दो, जिसके मन के अंदर हर चल रही है, जिसके मन में विक्षेपता नहीं है और जिसका मन सदा ही बैलेंस्ड में रहता है, समझिए वो अंतर्मुखी है। समझिए को भगवान की उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है या बढ़ता जा रहा है और उसकी डिग्री बनती जा रही है, वेरी गुड। ये है प्रमाण ठोस। अगर आप उदास रहती है, हताश रहती है, चिंता में है, खोई खोई रहती है, दिन आपसे गुजरता नहीं, धक्के मारते दिन तो गुजरते हैं, या आपके अंदर हर चल है या कोई बिगड़े है, समझिए मैं रास्ते से आउट हो गया, मैं भगवान के मार्ग से एक तरफ हो गया हूँ, या मैं महाराज जी के मार्ग को छोड़ गई हूँ, किसी संसारिक चिंता में गलतान हो गई हूँ, क्योंकि भगवान का प्रमाण 3 सालों में कभी छुट्टा नहीं हो सकता, जिसको हम अन्य था कहते हैं, तालीम से पैदा जो होता है सुख उसी से नुमाया हो आखिर हो। अगर हम किसी कांत पदार्थ से सुख पाने की आशा नहीं है तो हमेशा कहकर क्या करते हैं, दुख भी दूर नहीं है, दुख भी आया कि आया कि आया, कौन वही दुख है, वही तय चिंता है। अगर आप भगवान से सुख की आस न रखकर अंतर्मुखी होकर अपनी अभ्यास से सुख लेते हैं तो दुख भी छोड़ देगा। अगर हम किसी से सुख ले रही है, किसी प्राणी पदार्थ से हम सुख पा रहे हैं तो वह फिर गए। अगर हम इस चक्कर में आ गए थे जो है उसी मेरी मुट्ठी में तेरी पक्ष रमाए, बड़ी सुंदर जीव हालात होता है, क्योंकि ये पहले अमृत से जहर है, इस बात को हमेशा दिखाने के बाद शांति मेरे अपने ही पर है, सदा रहने वाले आराम और चैन और करार मेरे अपने ही है, शास्त्रित एवं सनातन प्रसन्नता मेरे अपने ही पर रही, जिसका दिल मुंह से उसी पद को कायम रखते दिन ऐसे हमारे सरकार पर मन के राजा हमारे एक मात्र गौ ईश्वर का प्राप्त होना कृष्ण हर निश्चित मुख से बता और समझा रहे हैं। हम कभी बुलाते हैं गीता के अनुजाई, जब ये बात कर ली तो इसी बात कहने को इतनी सी बात है कि जिस शांति मुझे महाराष्ट्र है वो मेरे अपने पास है, और भगवान द्वारा बताया कि अनमोल उपायों को अपने जीवन का विशेष अंग बना लेने के पश्चात उसे उसकी उपलब्धि या उसकी प्राप्ति हो सकती है। जब ये बात हमारे मन में बैठ जाती है फिर शानदार इंकार रहता, जितना हम पार होती थे उतना ही हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और उतना ही अपने आप को अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, फिर हम अभ्यासी बन जाती है, योग कराने में योगी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पहुंची आप महाराज जी के योग कराने में पता रह जाता कि मैं बिल्कुल ही अपने रास्ते से और जा रही थी, मैं बिल्कुल ही अपने रास्ते से बाहर जा रहा था, आप अविद्या गए, अविद्या गए तो मैं गए, तो वो तो दिन रात का व्यर्थ की परिश्रम था, व्यर्थ का सिर दर्दी थी, गर्दन तोड़ जो मेरे थे नाउ नेवर नाउ इन गॉड फॉर एवर, वो मेरे भगवान की ज्ञान बख्श रही है। अब ज्ञान की शुरुआत कहां से की, भगवान का ज्ञान की शुरुआत ज्ञान से होती है कि ये सृष्टि में 3 ही हमें भाग नजर आती है, एक अपने आप को देखती है, एक इस प्रकृति को देखती है और एक प्रकृति के चलाने वाले के बारे में अनुभव, तो कोई ऐसी अविनाशी बात है जिसके एक इशारे से ये सारा कुछ अपना अपना कार्य सुचारू रूप से हो रहा है, या सूर्य अद्भुत रूप से सारा काम हो जा रहा है। ये बात हम अनुमान अभी तो अनुमान कहीं देख सकते हैं, जो अनुभव नहीं होता एक में हाँ और एक ये प्रकृति दो और मुझे प्रकृति को बुलाने वाली कोई अविनाशी परमात्मा, ये 3। अब इन तीनों के बारे में जानना, बार बार जानना कि क्या है, तो भगवान साथ में धैर्य शुरू कर दिया है कि ये इसी प्रकृति से मैं, प्रकृति का मतलब 5 तत्व और अंदर के चित्त और मन और होकर या मन बुद्धि और होकर 8 तत्वों में प्रकृति मेरे भगवान स्पष्ट कहा है, इन्हीं 8ों को मिलाकर भगवान ने नाना प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु बनाया, हमने एक से दो विचार विमर्श किया, नाना प्रकार के चाहे वो देखने में छोटी नहीं या भारी बर्तन आपने रहे, चाहे बिल्कुल मूल सा व्यक्ति है जिसे अपने भी समय नहीं, और चाहे तो दुनिया को बनाने में बुद्धि देने वाले हमारे ब्रह्मा जी को, इन सारों के अंदर बेस्ट पॉसिबल एंड बेस्ट पॉसिबल
इन चारों में पांच तत्वों से मटीरियल एक ही है। मटीरियल जिस सामग्री से हमारे ये नाना प्रकार के शरीर बने हैं उसकी सामग्री एक ही है, जिन्हें हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार पांच तत्व कहते हैं। पांच तत्व ये भगवान की ग्रॉस प्रकृति है, प्रकृति रिफाइंड प्रकृति इसको भगवान आत्मा कहती है। जब इसके संग आत्मा भगवान की दिव्य शक्ति मिल जाती है तो इन शरीरों में हलचल आ जाती है, इन शरीरों में मूवमेंट आ जाती है। अंश लगे बाबा कहती है ये मर गया, मतलब ये है कि इसमें मूवमेंट है, मर जाने का मतलब देश में मूवमेंट सुपर के बारे में पांच तत्व बारे में मूवमेंट है, इनमें हरकत होती है। ध्यान दीजिएगा अब आराम सुनता हूँ तो उन्हें हरकत है, क्योंकि सवाल था हरकत हो चाहे अंगों में हरकत हो चाहे आंतरिक चाहे बाह्य अंग हो, अगर इनमें हरकत आए तो हम कहते हैं अगर इनमें हरकत नहीं कर दो सजीव और निर्जीव सबका अच्छा है। ये सजीव है सर्व साथ जीव में जीव आत्मा, ये आत्मा बड़ा तरह से मैं रखता हूँ सजीव और इसका विपरीत है निर्जीव। शब्द बड़े कमाल के सजीव जीव साथ हो सारे साथ तो जिंदगी है और निर्जीव निर्मलता जीव में जीवन, अगर जीवन का आत्मा ना हो तो क्या है जिंदगी। बाबा सजीव एंड निर्जीव, सजीव एंड निर्जीव जीव है ना हमारे अंदर, तो मुझे और कराए क्योंकि रीत के एक ही कम के अंदर हमारे मोमेंट है। इस बात को मैं और अपना भुला दुनिया वाले भूत या भूल जाए वो शरीर को सब कुछ समझती है। हमें भगवान करें डिस्टिंग्विश करो, विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, जैसे हम एनालिसिस किया करते थे इंग्लिश के अंदर प्रिंसिपल क्लास अलग कर लिए, रिटायर क्लास अलग कर ली, नॉन क्लास अलग कर ली, और भी क्लास बाकी जो कोई बात है वो कह दिया ट्रेडिंग के, जो किसी क्लास में नहीं आते वो सारे ट्रेडिंग के कह दिया। इसलिए भगवान हमें एनालिसिस या विश्लेषण कर देंगे कि ये तो जड़ है और ये डिपेंड कर रहा है किस किसी पावर पर, दोनों आत्मा कहती है। अब आत्मा इसी तरह भी वो सजीव, क्योंकि मेरे और आपके अंदर सजीव, क्या सजीव शरीर सजीव है, शरीर उसके कारण से अलाइव है सजीव है। अब जब वो छोड़ती है हाँ निर्जीव क्यों निर्जीव शरीर निर्जीव, शरीर निर्जीव हो गया अर्थात जीव इसका जीवन चला गया, जीवन चला गया तो ये क्या हो गया कोई हरकत नहीं, एक ही काम पता जाता है, एक ही काम दुनिया में नजर आता सब पता जाते हैं सब के सब एक मात्र जब भी पूछते गड़िया मिला करें तंज लगी हम गहरे उतरा करें बार 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 इसकी गहराई में जाएंगे। सजीव निर्जीव बनाने वाले सत्ता क्या है, जो वो हो तो इंसान नक का है और जीव ना हो तो इंसान कट का, पैदा का तो रैन हीरो रैन पावर इज देयर एंड रैन इज जीरो हीरो एंड जीरो रैन एक पावर इज डाउन, अगर पावर इज डिडन वी आर ऑल हीरो, अगर पावर इज डाउन वी आर ऑल जीरो हीरो एंड जीरो। आपको समझाने के लिए बहुत सारे शब्द है अनुभव चीज है, हीरो है सजीव के साथ और जीरो है निर्जीव हो जाने के पश्चात, ये तो एक निर्णय है। कुछ का अच्छा अनुभव किया हुआ है अब भगवान किसको जानते हैं असलियत की पहचान, असलियत की पहचान जिसके न होने से कुछ भी नहीं होता वो असलियत है उसे हम परमात्मा, उसे हम जिसके न होने से कुछ भी नहीं हो सकता और जिसके होने से सब जह तह हो जाती है। एवरीवेयर ऑल अराउंड यू सी हसल एंड बसल, किसके जिसके कारण से, जिसके कारण से ये शरीर है ये हमारा हो गया छोटे पैमाने पर और परमात्मा हमारे व्यापक रूप में एक स्लॉट स्केल बॉडी जिस लाइक स्लॉट स्केल द सेम लॉ इज वर्किंग इन एंड आउट एवरीवेयर इस शरीर के स्लॉट स्केल पर और इस सारे ब्रह्मांड में लॉ स्केल पर। इस बात को हम जरूर जाने बार बार जाने की जो ऑल इन ऑल है वो परमात्मा और ईमान, इसलिए हमारे हिंदू उच्च कोटि के ऋषि कह गए खोल करके स्वयं सर्वाणु मानो देव रे है मेरे परमात्मा तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो और इनाम तुम मेरे सब कुछ हो, मेरा मानव रूपों में न जाए मेरा मानव रूपों में जाए तो वार्तालाप तो करेगा व्यवहार भी करेगा लेकिन ये ना भूले कि परमात्मा के कारण से ये सब कुछ हुआ है, जिसको मैं माता जी कहता हूँ परमात्मा के कारण से सजीव है, पिता जी परमात्मा के कारण से सजीव है, मेरे पति देव परमात्मा के कारण से सजीव है, मेरी पत्नी परमात्मा के कारण से सजीव है, तो इनको जिनके जिनके साथ मेरा व्यवहार है परमात्मा के कारण से, परमात्मा है तो सजीव है, परमात्मा शक्ति विड्रॉ कर लेते हैं तो निर्जीव, इसलिए ऋषियों को डिक्लेयर करना पड़ा बने वह सर्वम मम देव ओम माय ऑलमाइटी मेरे कृष्णा यू आर माय ऑल इन ऑल सर्वे सर्व।
आपके तरफ आपके कारण से सब कुछ है चीजें जड़ कितनी महत्ता देती है। हम जब अपने इतनी कॉन्फिस दे दी अलग अलग रूपों से भी प्राप्त होगा रूपों से साथ रहेगा लेकिन रूपों को वैल्यू भी देने से बोलती है रीएवेल्युएट करना या पुनः मूल्य आंकन करना अपने मातृभाषा क्षमता से पुनः मूल्य आंकन इन भारतवासियों का मूल्य आंकन द्वारा करना रीएवेल्युएट करना। हमने पहले वैल्यूएशन रॉन्ग वैल्यूएशन है वैल्यूएशन इज रॉन्ग अब हम द्वारा करते द्वारा बोलते रीएवेल्युएट पुनः मूल्यांकन करना पुनः मूल्यांकन द्वारा करना जैसे कि आजकल तिरकें चलती है मकान होता है 1 लाख का हाँ जब हम रिस्ट्रिक्ट में जाती है उसके साथ हम आपको से बात करते हैं तुझे तो मैंने 1 लाख देना शो करेंगे सब से बात ताकि गवर्नमेंट की जो है फीस वो ना देनी पड़े गवर्नमेंट ने बुला दिया हो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस बुला दिए बहुत सस्ता है तो रजिस्ट्रेशन फीस ना देनी पड़े हम ठेकेदार जो है शो करेंगे कचहरी ठीक ठेकेदार की वो देखे आगे कानून वो को कानून रक्षा करेगा मकान को और 310 के अंदर बना हुआ हो स्टेट की 3 बेडरूम है 8,000-7,000 का होगा तो ये क्या ठीक है हो गई दृष्टि आपकी पकड़ ली पकड़ के रिश्ते जीप आई या की गाड़ी आई और मकान के साथ रखे मालिक मकान के अंदर था जिसने खरीदा है वो भी अचानक उसके अंदर थे पुलिस भी साथ थी वो भी था सरकार आवाज देख रहा है आपने भी एक मकान इसी किया है 7,000 का हाँ गवर्नमेंट आपको 5,000 दे 70,000 देती है हर घर हमें यहाँ प्रॉफिट बनाना है सरकार क्या बात हवाई उड़ गई हमें शक है क्या गवर्नमेंट को धोखा दिया हम इसकी रीवैल्यू करेंगे इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन हम इसका पुनः मूल्यांकन करते इसे बोलते हैं पुनः मूल्यांकन आपने गवर्नमेंट को धोखा दिया आपने 7,000 का बेचा हम इसे जितने बात निकलो इसी तरह हम धोखे में पड़ गए अपनी वैल्यू हमने जो लगाई ये गलत हमने हर बात चार किस्म बताई कि हर बात चार मल मूल की हमने वैल्यू लगाई इसी के साथ पूरी तरह अटैच हो गए अब भगवान क्यों करते बेटे ये सब कुछ नहीं जिसके होने चाहिए हिंदुइज्म पर कितना हजर का पैगाम है हिंदुत्व का कितना कमाल का हिंदुइज्म है जहां स्पष्ट कहा जाता है क्या करें एनालिसिस करो विश्लेषण करो किसी को एनालिसिस हमारे पास एक शब्द है विवेक कीजिए अपने शरीर से काम कीजिए डिस्क्रिमिनेट अवेलेबल डिस्क्रिमिनेट 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 बिटवीन ट्रुथ एंड नॉन ट्रुथ बिटवीन रियलिटी एंड नॉन रियलिटी बिटवीन जड एंड चेता बिटवीन बार बार कहा जाता है देखो मुंबई में लड़की मुंबई हूँ दोनों में जरा डिस्ट्रिश कीजिएगा जब ये भाव आया तो फौरन आकर पकड़ती है जिसके होने से ये सब कुछ है भगवत गीता ये ज्ञान की शुरुआत यहाँ से ज्ञान की शुरुआत ज्ञान का श्री ग्रह यहाँ से हो गया जब हमने जड़ और चेतन दो चीजें देखी इसी को कुछ सीमा में बुरा तो नहीं समझ सके हो पर ऐसा कुछ कहने लग गया है या फर्क वाले मेटल प्लस एनर्जी वो दो दो एनर्जी की परिभाषा करती है वो हिंदू के अनुसार बिल्कुल रॉन्ग एनर्जी की जो उन्होंने परिभाषा की है गलत है लेकिन कुछ समझने की विधि है कि मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जिससे कि मैटर की शान है अगर मैटर इस एनर्जी को किसी का तो खोज दी एनर्जी का होता तो मैटर में इजाफ हुई मैटर की अपने आप में कोई वैल्यू जीरो अगर वर्ल्ड को मैटर डिपेंडेंट है डिपेंडेंट आपके बाल बच्चे आप पे डिपेंड करती है तो डिपेंड करेंगे वो क्या आश्रित है इसमें डिपेंडेंट है मेरे लिए सारे डिपेंडेंट है 5-6 खड़े करके वो जीत रहा डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या हमारा ये डिपेंडेंट है चावल चावल उन दिनों हमारे पास 8वीं जमात पर हमारे जो पेन होते थे डिपेंडेंट होते थे बार बार डोबा लेना पड़ता था क्लास में से चाहे जैसे बोलते डिपेंडेंट थे। अब जब वो ये ना हुआ एक ट्यूब बना दी गई और विशेष प्रकार की कलम बना दी गई और उसने चाय डाल दी तो वो जो ट्यूब में चाय भरते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी स्वतंत्र हो गया इंडिपेंडेंट हमारे लोग थे इंडिपेंडेंट बात याद सुना फाउंटेन पेन फाउंटेन में फारा पेन में पेन स्याल का फारा इसी के अंदर होता है लिखते रहो 3-4 घंटे और दो पेन ही लेते हैं स्पीड बन जाती है नाम से सुनता फाउंटेन पेन या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आभा स्वतंत्र बार बार रात में डाली कलम की डाली की जरूरत नहीं है बिकॉज द इन फाउंटेन ऑफ इंक इज देयर
आप उसका एक्सप्लेन कर सकती है। इसी तरह सारे काले पदार्थ नहीं है, ये डिपेंडेंट है। कितने भी आपकी समझ रख सकती है, यदि दिन या दे और बुद्धि से परे हट सकती है, जिस पर इसी बात पर करें तो इंडिपेंडेंट को ढूंढना, इंडिपेंडेंट मुझे इंडिपेंडेंट को लेना, इंडिपेंडेंट मुझे दूसरे को नहीं लेना। आप गली में गया, मेरे नंदा के घर में जाना, वो घर, अरे नहीं वो नंदा नहीं, नंदा जो MLA वो प्रहलाद हुआ, वो बड़ी कोशिश शानदार, वो तेरह बन गया, अच्छा MLA हाँ, इस तरह मैंने इंडिपेंडेंट के पास जाना है, वो देखी बुद्धि, अरे नहीं मुझे कह सकती है, मुझे तो जान है इंडिपेंडेंट, वो तो पीछे सिर्फ इतना भी इंडिपेंडेंट समाज के सारे काल की बात है। और इंडिपेंडेंट एक भगवान है जिनको शक्ति दे रही है, जिसे कहेंगे स्वतंत्र सत्ता, इसका मतलब किसी भी प्राणी पदार्थ की इंडिविजुअलिटी नहीं, यानी स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, हमारे सारे प्राणी पदार्थ संसार जाने बनाए गए, वो भगवान की शक्ति का प्रतंत्र है। एक भगवान की बात है जो कि इंडिपेंडेंट है या रखना या स्वतंत्र है, बाकी सब के सब क्या है भगवान के अधीन, यानी किसी की इंडिविजुअलिटी नहीं है, भगवान की ही अपने सत्ता है। किताब सुखो और सुखो महत्ता दी गई, पूरा मूल्य आकर हो गया, हरारा नाम जो शरीरों में था आह उठ के शरीर चलाने वाले की हो गया, कितनी शिथिलता करो, ये धर्म का ज्ञान प्राण है, ज्ञान असलियत की पहचान, जो हमारे मन शरीरों में रहता था, शरीरों का आशिक था, शरीरों को चाहता था, शरीरों का बार बार चिंतन करता था, शरीरों को शेर चिड़ी की तरह मैं खड़े कर कर करके विचार किया करता था, ये होगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा ना, वो सारी कहानी इट बिकम्स एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी, इट बिकम्स एन ओल्ड ओल्ड स्टोरी। आहा वो दिन हरा हुए जब फलीर खां पास्ता उड़ाया करते, ऐसी कहावत है कि वो दिन खत्म हो गए, जब शेर चिड़ी की तरह ये होगा वो होगा ये वो दो चीज पर वो एक्सपायर्ड हो गया, वो पीरियड जो है एक्सपायर हो गया, तो अब आप उसकी असलियत में आती है। अब हम आते हैं हमने खेती गोटी कर जो आत्मा एक बंदा पर आत्मा जो सबको बना है, जो सबके लिए की जान प्राण बना हुआ, जिसके कारण सारे सजीव है, सजीव आहा इसके कारण सब ये मारा करो मारा और करो ठीक है, आपका मन जिसके बाद इसको तो नोटिस देंगे असलियत को बार बार सोचेंगे विचार करना पीछे रहेगा, इसी में भगवान के वस्त्र अब ये तो नरत्न है ना, नरत्न वगैरह के नरत्न को डायवर्सिटी को प्रवृत्ति को, ये तो डायवर्सिटी है प्रवृत्ति है, ये भी सामने आए ये हमें कभी नहीं सुना, ऐसे प्रवृत्ति जो देश सामने कहीं से किसी से नहीं सुने, तो आप भगवान के बारे में पूर्ण चिंता करते हुए बता रहे हैं बता रहे हैं और हमें अज्ञानता के गर्त ये बड़े से निकालना चाहते हैं हम और भी कहें तो जा ये दो चीजों का संघात है, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में संघात, यही मिला यही मिश्रण, ये दो चीजों का मिश्रण है आत्मा और अपने जड़ जड़ चेतन स्थल और जंगम चर और अजर, ये दोनों का मिला है, भूमि में लड़के भूमि पर सेंटिएंट टेकिंग सेंटिएंट की दोनों का मिला है, अब हमें ठीक जा रहा है हम ध्यान करती है हम तो भगवान के प्यारे हमें तो अपने आपको कल्याण करने जाती है और गीता के माध्यम से हम अपने आपको पढ़े बात ले जाया जाती है, गीता हमारे लिए नाव का काम कर रही है और भगवान की वाणी एक केवल कर चुके हैं और हम बीच में संसार में असलियत क्या है, संसार में यथार्थ क्या है, वो भी क्या यथार्थ हो जाए और माता दी हो चाहे मेरे हृदय को चाहे आत्मा दी हो कोई भी बोला हो जिनसे आपने छोड़ा हमने उठाया चार भाई ने कंधे पर रखा और चार जो है लड़किया छुट्टी हो 20 मिनट के अंदर शरीर कर जाता है खत्म गए इन बच्चों को बार बार विचार करो कि ये कुछ शरीर किसी टाइम एनी मोमेंट जा सकता और इतना आदर मान सरकार इतनी हर चल परमात्मा की शक्ति के कारण से परमात्मा भी इतने परमात्मा पूरे का शरीर से और परमात्मा के चिंतन में रहते खुद आप पता लगा कि असलियत वो है, ये असलियत नहीं इसको तो चलाया जा रहा है, शरीर को तो आत्मा की शक्ति से बनाया जा रही होगी नरक नहीं ये नरक है, हाँ इनमें एक वो बात को चला रही थी हमारे घर के अंदर इतने इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं लेकिन एक ही करंट ऐसी दृष्टांत समझाओ अपने आपको ऐसा दृष्टांत जो हमारा घरेलू दृष्टांत है आपके घर में नौ प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट नौ प्रकार के हाँ वो आप कितने एक ही करंट से इलेक्ट्रिक करंट एक ही है जो सारे पॉइंट होगी जान और पान सारे पॉइंट चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट एक करंट से देखो चाहे आपके दूसरी मंजिल पे है तीसरी मंजिल पे है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है चाहे आप किसी कमरे में है एक ही
वही आपके रेडियो में है, वही आपके टीवी के अंदर है, वही आपके फ्रिज के अंदर है, वही आपके कूलर में है, वही आपके हीटर में है, वही आपके होम कूलर में है। पीछे चल रहा है इंडस्ट्रियल फैन, अब वही इसके अंदर है, वही सीलिंग फैन में है, वही कैबिन फैन में है, वही टेबल फैन में है। ओ माय लॉर्ड, करंट इसकी सेम, वो अपना फंक्शन पूरा पूरा किया रही है। इसी तरह ये कस्बर है, ये नाना प्रकार के नरात्व है। आज माँ मन शुरू से बताते परमात्मा पूछो ईश्वर को, हमारे माता पिता के बारे में तो ना पूछो, ईश्वर को बस ठीक ठीक। हाँ, अब शुरू से मिल जाता तो बहुत बिक्री कर जाती। अब भगवान बता रहे आप ईश्वर कर घर के आयु कर दे, हाँ काफी गुजर गए, बहुत गुजर गए, बहुत गुजर गए। अब पता लग गया कि ये नरक, ये नरक प्रकार के कौन गुजराता है, परमात्मा की रुचि मानव तंत्र चला रही हूँ। तीन इक्विपमेंट से तीन उत्तर मैं आपको भगवान से लेके आएगा, ऊपर बुद्धि नीचे उत्तर मन, बाहर आ जाओ मन, आए ऊपर देखो बुद्धि, हाँ नीचे उत्तर आओ क्या है मन, और बाहर चलो कर्म। मैं कुछ ने कहा कैसा अजीब शरीर भगवान ने बनाया, कैसा अजीब है। जरा देखिए भगवान ने बृहस्पति वर्ग बनाया, हंसा हुआ आपको बृहस्पति वर्ग जितने दीक्षित आदि है, ये पांव से खुराक लेते हैं, नीचे से खुराक लेके ऊपर परतते हैं। इंसान देखो कितना उत्तम बनाया है, ये जितना भी बृहस्पति वर्ग है दीक्षित आदि, ये नीचे से आपके पांव से खुराक ली और ऊपर फर गए। आहा आहा आहा, देखिए जरा। और पशु जो है, पशु जो है अपने ये सामने से लेके पीछे फैलते, पशु अपने मुख से सामने से लेके और उनका विकास पीछे होता है, फिर कहूंगा पौधों का विकास नीचे से खुराक लेके ऊपर होता है, पशुओं का सामने से खाद के पीछे विकास है, उनका विकास जो पीछे जानवर आदि से खाद के पीछे बढ़ती है, और इंसान इंसान ऊपर से खाद के ऊपर नीचे चारों ओर नीचे बढ़ जाएंगे। ऊपर हमारा सिर है, साइड में हमारे बाजू अगर हम यू कर लिया जाए, हाथों को फैला ले और ऊपर खड़े हो जाए, और हम खाते ऊपर से है, हमारा ऊपर में विकास है, हमारा साइड में विकास है, हमारा नीचे विकास, और जो भी अंग विकास नहीं करेगा बेड़ा गर्क सफा। और लेकिन इंसान की बड़ी हिम्मत है, अगर ऊपर विकास को गढ़े जिसके ऊपर दले डर, हमारी बड़ी हिम्मत है, अगर हम ऊपर विकास करें वृक्ष नहीं कर सकते, अपने जानवर नहीं कर सकते, जानवर पीछे फैलते जाएंगे, पेट फैलता जाएगा और नीचे टांगे फैलती जाएगी, ये होता है उनकी पार्टी नहीं है। और पौधे भी शास्त्री सब चीज होती जाएगी और इतना सघना होता जाएगा। भगवान ने ये अजीब बनाया है कि इसके विकास चारों ओर होता, आगे से खाके सामने से खाके ऊपर, ये इसका विकसित होना चाहिए। विकसित क्या, जानकारी में समझ बूझ में, समझ बूझ में जानकारी में, उचित अनुचित में, प्रॉपर इम्प्रॉपर में, राइट और रॉन्ग में, राइट एंड डॉग में, आई एम मैन, मैं एक मानव हूं, मेरे लिए मानव उचित क्या है, मानव अनुचित क्या है, मानव उचित मानव अनुचित। जो पौधों के बृहस्पति मर्ग को नहीं दे सकते, हम ये पशु वर्ग को नहीं कह सकते, हम ये पक्षी वर्ग को नहीं कह सकते, हम ये खनिज वर्ग को नहीं कह सकते, हम मनुष्य वर्ग को कह सकते हैं। इससे हम रास्ते में कि ये जान दे, जहां से जान दे कि इसको विकास करें, इसको फैलाए, उसकी बात है भारत भारत में विचारशील बने, विचारशील बनी है जान दे, वो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान के संपर्क से चुके कर दूसरे को देख के कर दूसरा जाता है। इंजीनियर सीखनी है तो छोटी के इंजीनियर के पास जाना पड़ता है, अगर मैथमेटिक्स में शामिल हूं तो मैथमेटिक्स की संगत करनी पड़ती है, अगर डॉक्टरी करनी हो तो सिविल हॉस्पिटल में क्या फ्री नौकरी करनी पड़ेगी एक्सपीरियंस डॉक्टरों के साथ मिलजुल करके, अगर वकालत करनी है तो जो एक्सपीरियंस एडवोकेट है उनकी झोली चुक करनी पड़ेगी, उनकी जीजी करनी पड़ेगी, उनके आगे पीछे फिरना पड़ेगा ये कैसे करती है, कैसे होता है, कैसे केस कैसे लड़ा जाता, ये उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, शाबाश 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 बच्चों, ये सब करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल में आपने नौकरी लेनी है तो ढोली के पीछे जीजी करनी पड़ेगी, जो कि रिटायर्ड है और पहाड़े पढ़ने नंबर वन है, पहाड़े की मर्जी पढ़ा लो,
पहले माँ और बाप, फिर दो बच्चे, फिर दो लड़कियां, फिर ये दूसरी नहीं है। तो अगर ऐसा करना तो इनके पीछे जाना पड़ेगा। सवाल, इसी तरह अगर हमने बुद्धि का विकास करना है तो गीता को अपने जीवन की गाइड बनाना। गीता है फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम गाइड, फाइनल लास्ट एंड सुप्रीम गाइड। इसके बाद तो विकास होते ही, विकासवाद के विकासवाद में जब ब्रह्म ज्ञान आ गया, दिस इज द सुप्रीम या विकास, दिस इज द सुप्रीम एवोल्यूशन सो फार मैन इज कंसर्न। जब तक इंसान का तालुक है ये उसका आखिरी है, वो ब्रह्म ज्ञान बनता है, आपकी बुद्धि का विकास कर देता है। क्या सत्संग में आकर गीता का स्वाध्याय करके, उस पर मनन करके और बार बार विचार करता हुआ अपनी खलासत, अपनी कमी को निकालता हुआ अपनी नेगेटिव क्वालिटी को निकालेगा, निकालते अपने आप को निर्मल करेंगे, निर्मल करते करते बुद्धि वृत्ति सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म वृत्ति जो है बुद्धि में जाएगी और बुद्धि और सूक्ष्म होगी, आत्मा में तल्लीन हो जाएगी। तो कहां चला गया इंसान जो पहले वृत्ति बटी हुई थी, मास्टर बापू का बहन सर, भाई सर, पति सर, पत्नी सर, गुरुदेव के साथ, देवताओं के साथ, जो वृत्ति बटी हुई थी, आप कोई नहीं बैठेगी, आप एक ही आत्मा के अंदर तल्लीन हो जाएगी। किसने मेरी वृत्ति जो इस सारे संसार को चला रहा है और जो इस शरीर की जान प्राण कर रहा हुआ था, शरीर के रहते हुए अपने आप को निर्मल करके साफ करके वास्तव से परे हटके जब वृत्ति तल्लीन हुई, हाँ तब ये समझ आती है जो भगवान ने आज आज शुरू किया हुआ है कसरत में वादत की। तब भगवान अनुभव करवाते हैं उस निर्विकल समाधि में, उस मुझ को की ट्रांसेंडेंटल स्टेट में, मेरी देवी और सजनों उसमें जाकर जीवन भर करता हूं। ये जो सत्ता है, हाँ इस सब के अंदर प्रावधान है। हमने पहले सूरज को पानी के भरे हुए टब में देखा, हमने पहले सूरज को बाल्टी पानी से भरे हुए बाल्टी में देखा, पानी से भरे हुए खाल में देखा, पानी से भरे हुई नदी में देखा, पानी से भरे हुए तालाब में देखा, हमने पहले सूरज को इन विधियों में देखा। हाँ नाना प्रकार के बर्तनों के पानी में था, वॉज वन रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी पात्र, रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी जो है आपके कंटेनर, इन सो मैनी कंटेनर, दैट वॉज वन सन रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी कंटेनर, वो एक है। समाधि में जाके पूरा परिणाम गॉड इज वन रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी फॉर, रिफ्लेक्टेड इन सो मैनी नेम एंड फॉर। हर मैं कितनी बोल जाऊं पूरा नहीं समझा पाऊंगा जब तक भगवान जी हमारे पर कृपा करके हमें ऊपर की अवस्था में नहीं ले जाते, जब तक पिता बच्चे की ठोड़ी को यूं करके आंखें ऊपर नहीं करता तब तक असर सूर्य के साथ दो चार नहीं होगा। मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं मां कुशो का बड़े कमाल का दृष्टांत, जिसने मेरी बड़ी सहायता की है मालिक नजदीक पहुंचाने में, बड़ी मेरी सहायता की। वैसे हम क्या बोलती है, गड़बी का सूरज, गिलास का सूरज, टक का सूरज, बाल्टी का सूरज, यानी जिसमें उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसके नाम से पुकारते हैं। अगर कोई यू कहते हो असल सूरज आकाश का सूरज, इस तरह सर्वव्यापी परमात्मा इन सारों में प्रतिबिंबित है, उसी की प्रतिछाया है, हाँ उसी को चिदाभास बोलते हैं, चिदाभास उसी का आभास है, हाँ किसके अंदर नाना रूपों के अंदर। तो भगवान यह कह रहे हैं जो कसरत में वादत की पहचान है, जो नरत्व के अंदर उस एक को देखता है कि ये नरत्व का कंटेनर है सारे, ये पात्र है पात्र और इसमें आत्मा एक ही है। ये पात्र जैसे आपके घर के अंदर आठ दस पानी के भरे हुए हैं बर्तन, पानी एक ही है, बर्तन अलग अलग है, पानी एक है, कमेटी का पानी जो आपके टाइम के अनुसार आता, आपने शरीर को एक साथ भरे, आपने कई बर्तन भरे तो बर्तन अनेक पानी एक, यू समझ लो ना, यू समझ लो, घर में बर्तन अनेक पानी एक, इसी तरह शरीर अनेक और परमात्मा की जात एक। कंटेनर सो मैनी कंटेंस वन, कंटेनर सो मैनी कंटेंस वन, पात्र अनेक है पदार्थ एक है, पात्र अनेक पदार्थ एक। जब ये पता लगा अब भगवान का ये अब ज्ञान इसे होता है इनडायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज तब होगी जब हमारी वृत्ति सूक्ष्म होकर अभ्यास करते करते ऊपर, जैसे पिताजी ने छोड़ी ऊपर की आकाश का सूर्य नजर, असल सूर्य नजर आया, वरना हमको रिफ्लेक्शन में सूर्य को ले रहे थे। इस तरह जब हमारी वृत्ति ऊपर जाएगी तो लगता है ये वो जात है, हाँ सारों जीव जंतुओं में काम कर रही है, प्राणी पदार्थों में काम कर रही है, ये वो जात डायरेक्ट अनुभव तब होता है, डायरेक्ट समाधि करना पहले मिल गया, शास्त्रों से ये इनडायरेक्ट समझ लिया, दिल्ली में
जाने से पहले दिल्ली जा चुका है, उसे इंटेक्ट पूछो भी कैसे जाओ, घर से अटैची लो, जरूरी चीजें उसमें डाल लो, हाँ बूट पहन के जाओगे, चप्पल के साथ रख लेना, बड़ी तकलीफ होती है, तो हाँ तो थ्री व्हीलर पे बैठो और स्टेशन पे जाओ, हाँ वहां से कही सर आई एम ऑन फॉर दिल्ली, आप दिल्ली की वहां से टिकट मांगी तो वो आपको टिकट देंगे दिल्ली की, हाँ तो पापर गाड़ी आती है इतने बजे, तो उस गाड़ी पे बैठ जाओ, उतरना नहीं, वाया करनाल को आपको दिल्ली पहुंचाने की कोई डेढ़ बजे दिन के, फिर वहां से तुम टैक्सी ले लो और जिधर जाना चाहे, दो सारे पता उसने बता दिया, ऐसे ही हमने किया, बिल्कुल हुआ आपको स्थान पे लाल किले के सामने, ढाई बजे हम लाल किले के सामने थे, सरकार ये लाल किला जो आप चाहते थे, अच्छा अब जा रहा है तो वहां से टिकट ली और देखा, तो कैसे पहले इंटरेक्ट नॉलेज देन डायरेक्ट नॉलेज, बेटे पहले प्रोक्ष ज्ञान, ये जो मैं आपको दे रहा हूं शास्त्र से बोलते हैं प्रोक्ष ज्ञान, आप भाषा में बोले प्रोक्ष ज्ञान, और जब समाधि में बैठ जाते हैं वो हो जाता है अप्रोक्ष ज्ञान, प्रोक्ष नहीं, प्रोक्ष मैंने पराया ज्ञान, ये तो पराया है मेरा है ना, या मेरी भगवान कृष्ण का है पराया ज्ञान, प्रोक्ष मैंने पराया ज्ञान, फिर अप्रोक्ष ज्ञान अपना ज्ञान, निजी अनुभव, अप्रोक्ष को बोलते हैं निजी अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस, लेकिन होता है इनडायरेक्ट नॉलेज से देन डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज बड़ी जरूरी है, अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल है, वी कैन नॉट डू विदाउट इनडायरेक्ट नॉलेज, कैसे डायरेक्ट तक जाएंगे जब तक इनडायरेक्ट का पता ना होगा, तो भगवान किस प्रमाण को हम सिना कर रखते हैं, यह हमारे विज्ञान का भी डाला जा रहा है, भले ही इनडायरेक्ट है लेकिन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, काका काका स्वामी जी कहा करते थे, अगर थक गए हो ना पहले हाथ के सहारे से बैठ जाओ फिर लेटो, अगर खड़े खड़े गिरोगे तो लोग कहेंगे फिर पड़ गए सूरज, फिर पड़ गया, लेटने का तरीका पहले बैठो देन लाई डाउन, इसी तरह अगर डायरेक्ट का अनुभव लेना तो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले इनडायरेक्ट, उसके बाद पहले बैठो अभ्यास करो निध्यासन करो, उसके बाद वृत्ति सूक्ष्म करो चले जाओ, ये होते कब अनुभव होता है, ये जो आज की बात भगवान जी कह रहे हैं जो कसरत में बाधक की पहचान करें, हाँ दरअसल सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मुख का विषय नहीं, भाषण का विषय नहीं, लेक्चर का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है, समाधान हो जाएगा, जो मन इधर उधर हल्के कुत्ते की तरह या आवारा पशु की तरह आवारगी में था, अब वो आवारगी में नहीं होगा, अब वो सेंट्रलाइज या केंद्रीभूत हो जाएगा, मन की वृत्तियां जो बार बार थी वो खत्म, जो वास्ता करते मुझे वो मिले मुझे वो चीज मिले सब खत्म, नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग, नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग, लॉन्ग कहती है काम में कोई काम नहीं, बिलोंगिंग कोई हमारे ताल्लुक में नहीं रहेगा, लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंग दोनों इंसान को तबाह कर दिया, आई लॉन्ग फॉर, जब बड़ी भारी तमन्ना मन के अंदर हम कहते हैं लॉन्ग फॉर ये चीजों के लिए हम ललायत है ललायत, और बिलोंगिंग माँ बाप है भाई की हमारे चीजें पदार्थ जो हमारे संबंधी है ये बिलोंगिंग, लॉन्गिंग बिलोंगिंग ने इंसान को क्या कर दिया, बस दो मिनट, अब जब हम अंतरण की लड़ते भाई वृत्ति इनकी या इनको बढ़ जाती है तब नो लॉन्गिंग नो बिलोंगिंग, ये वो अवस्था है इंसान करे खाशी दिल से दूर, इसके फल बाद भगवान ने क्या कहा, यही है मकामे रसाले पूरा, पूरे फसल का फरमान है, दूसरे है एक कदम श्लोक और आगे लास्ट पत्र श्लोक, ये दोनों मिनट कदम कि अंतर की अवस्था कैसे बनती है, भगवान का दर्शन होती है जब इंसान करे खाशी से हवस का रहो उसके दिल में फतू न उसमें फतू न हो के सब उसको बात करें दिल उसका से यही है यही है यही है मकामे रसाले जहां आगे हो सब तो हमें पता तुम्हें तो पता ये सारी अज्ञानता बस दिल में सब अज्ञानता खत्म हो गई सब या सही ज्ञान पहले क्या प्रोक्ष ज्ञान फिर अप्रोक्ष ज्ञान पहले प्रोक्ष फिर अप्रोक्ष इसके प्रसंग में मैं अपने निर्भर कर रहा हूँ शास्त्र मेरी कसम जरूर कर रहा शंकराचार्य जी का हमारे पर बड़ा भारी एहसान है उन्होंने गीता जी की व्याख्या कई शास्त्रों में की या विस्तार करते हाँ ये जो अप्रोक्ष ज्ञान है उन्होंने मेरे पर लगभग 250-300 के लगभग श्लोक किए उसका नाम है अप्रोक्ष अनुभूति जरूर पढ़िए जरूर अप्रोक्ष अनुभूति डायरेक्ट रियलाइजेशन इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है उर्दू में भी है लाइब्रेरी से लो और एकांत में बैठ के दो तीन बार पढ़ लो अप्रोक्ष अनुपरणा होगा उन्होंने लिखा है इसी श्लोक के ऊपर इसी श्लोक को कैसे अनुभव करें अब अंतिम रूप से इसका नाम उन्होंने रखा है अप्रोक्ष अनुभूति डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ आत्मा नाम कितना प्यारा है अप्रोक्ष मैं तो दे रहा हूं अप्रोक्ष ज्ञान
ये इनडायरेक्ट नॉलेज वो बताती है ठीक है, अब डायरेक्ट नॉलेज कैसे है? इनडायरेक्ट नॉलेज बुक आप पढ़ाओ, हम अपने आप को कैपेबल बनाए फॉर दैट डायरेक्ट नॉलेज। तो उस तरह में इस शास्त्र के नाम है अप्रोक्ष अनुभूति जगत गुरु श्री शंकर अजान है। वो सोने के वजन की कीमत दे के लिए अगर दे तो भी सस्ती है, उसको तोले और सोना उसका 2 किलो देना पड़े तो भी बड़ी सस्ती है। बहुत फरमान रहे तो वो चूटी के अनुभव की उन्होंने जैसा अनुभव किया शब्दों में प्रकट करने में कामयाबी हासिल की, या भगवान के ऊपर खास उम्मीद थी जितना चोटी का शास्त्र ने दिया। अप्रोक्ष ज्ञान के दो बड़े शास्त्र कमाते हैं, अप्रोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष अनुभूति या विवेक चूड़ाबली, दो ही बड़े कमाते दिए गए मास्टर टी सर उनके विवेक चूड़ाबली और अप्रोक्ष अनुभूति। सुंदर अति सुंदर अप्रोक्ष अनुभूति बड़ा अच्छा रहेगा। और स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या से आप पढ़ेंगे तो स्वामी अखंडानंद की व्याख्या से उन्होंने इस पर व्याख्या की, खूब व्याख्या की उन्होंने इसकी, उन्होंने श्लोक बनाए सके चाहिए मां कृष्ण तो आगे व्याख्या करके श्लोकों को ये टैलेंटी लेकर और भी समझाया और बड़ा कमाल किया। तो भगवान अमर इष्ट देव जी सरयू देवी क्या कह रही है, नजर आए जिस ज्ञान से बरबरा हर इतनी वही हस्ती लापरा। अब ये आदत हमें ले गया, अब अर्थ श्लोक आगे ले लिया, अब उत्तरार्ध पूर्वार्ध ले लिया, उत्तरार्ध ले लिया जो कसरत में बादत की पहचान है। तो ऐने सतोगुण यही ज्ञान बिल्कुल ऐन मतलब बिल्कुल चोटी का ज्ञान यही गए नारत्व में एकत्व का अनुभव प्रवृत्ति में वनस के दर्शन ये चुकी ज्ञान है हिंदुइज्म के अनुसार, क्योंकि ये असलियत है नारत्व में एकत्व ज्यादा देवी कसरत में वहदत याद रखना भाई प्रवृत्ति में वनस या डायवर्सिटी में यूनिटी अब इसको हिम्मत में डालना चाहिए दिल निश्चित चाहिए कि जितना अनुभव करेंगी पर कौन कर सकेगी जिसकी वृत्ति चारों से हटी है। जो हमें बड़े नीरस व्यक्ति है वो हमें अब नीरस न लगे, भगवान ही नीरस करे, परमात्मा ही हमें नीरस करे। आहा जो हमारी स्वीट दिल में है वो हमारे स्वीट दिल में आप भगवान बैठ जाए, स्वीट दिल में कोई ये और वो न बैठे तब थ्योरी सेंट्रलाइज्ड इधर उधर से लिखी हुई थी एक जगह आ गए लोग ना पा रहे कितने युग गुजर गया दुनिया को, ये जो रूप है चले जाते हैं वो जो आत्मा फिर नए रूप बनते हैं उनमें गिरा जाती है, पुराने बच्चे टूट के जगह भी चले जाती है उनको गिरा रू के फिर नई शेप देके फिर बाजारों में गिरा जाती है। क्या मजाक बनाऊंगा टूट फल बाजारों में गलियों में आती है टूटे बर्तन पे टूट भर पे टूट भरेंगे प्रकृति किया है खुद कहा है क्या क्या फरमाया क्या फरमाया करे लू जैसे ये श्लोक ये फरमान भी है जुमा देने वाला और मालिक के सामने खड़ा कर देने वाला करे रूह जैसी तगैर बगैर लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, जैसे मानो आत्मा सैर कर रही है कहां लड़कपन जवानी बुढ़ापा करे रूह जैसी तगैर बिना तब्दीली के रूह आत्मा वही है सैर का करती है लड़कपन भी वही जवानी भी वही बुढ़ापे भी वही वो वही है करे रूह जैसी तगैर बगैर लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर यूही फिर नए तन में होगी मकी हाँ अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। शाबाश 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 भगवती इतना चोटी का फरमान करे रूह जैसे तगैर बगैर बिना तब्दीली के एक ही आत्मा कहां जा रही है लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर मानो सैर कर रही है बालकपन में फिर गई किशोर अवस्था में फिर गई आगे युवा अवस्था में फिर गई आगे प्राण अवस्था में फिर गई वृद्ध अवस्था में फिर मरण उन्मुख अवस्था में फिर आगे नए शरीर में प्रवेश कर ली। भगवान कहते हैं हाँ कल ये पक्का कर ले और मन को मजबूत कर ले वरना रोंदा फिरेगा यारा पिटदा फिरेगा हर में मजा हर में क्या हर काले में फिर रोंदा फिरेगा। अगर दिल है मजबूत अगर मन की मजबूती ज्ञान से कर ली तब तो ठीक है वरना भगवान का नियम तो अटली है कोई माने ना माने भगवान का नियम अटल चूर का जो दैवी नियम है ये डिवाइन लॉ है वो तो अटल है क्यों चल रहा है ये चक्कर क्यों चल रहा ये आप छोटी बुद्धि वालों को भगवान ने दृष्टांत दे दिया। भगवान जी क्या कहा अरे नहीं समझ आई अजीब ये तो हैरान हो गए अरे देख करे फिर भगवान ये दृष्टांत दुनिया भर में मशहूर है क्या दृष्टांत दिया भगवान ने बदलता है इंसान लिबा से कुहन नया जमा करता है फिर से इंसान इसी तरह काले बदलती है रूप नए भेष में फिर
जाती है, अक्षर वास्तव में जाती है, स्नान करके क्या होते हैं, रात भर कपड़े उतारती है, दूसरे प्रेस की लड़के होती है हैंगर में, वहां से निकाले और पहन ले सुंदर चेहरा सुंदर रूप लेकर के सुंदर रूप लेके बाहर आ गए। कितने सुंदर बनते आ जाते बाहर, हम वही गए रिफ्रेश होके आए हैं, कपड़े भी नए पहन के आए हैं। ये दिशा दे दिया कि पुरानी शरीर छोड़ देता है, जीव आत्मा हाँ नए शरीर प्रवेश करके कितना सुंदर लगता है, बड़ा सफर प्रस्ताव है, बड़ा सफर का कितना सुंदर दृष्टान्त कपड़े बदलने का, पुराने बदले उतार दिए नए में प्रवेश कर गया। आहा, इसी तरह जीव आगे जा रहा है, बदल रहा है रूप, अब बदलती बच्चे आए कभी दो बार नहाती उतार पसीने से भरे हुए कपड़े उतार के दूसरे, इसी तरह जीव आत्मा जो पुराने शरीर छोड़ देता नए में प्रवेश कर देता। ये बार बार खोजिए तो आत्मा नजर आती है, इंडिपेंडेंट है, शरीर बिल्कुल वस्त्रों की तरह है, कपड़ों की तरह है, चाहे आपकी लूज शर्ट है और चाहे आपकी टाइट शर्ट है, चाहे आपकी मिल्क टी है मेरी मिल्क टी है, आपकी जो है वो टी शर्ट आपकी टी शर्ट मेरी मिल्क शर्ट, क्या बस मैंने पता लगा, मुझे पता लगा कि लोग टी शर्ट पहनते हैं, मैं मिल्क शर्ट पहनता हूँ। चलो तो चाहे मिल्क शर्ट हो चाहे टी शर्ट हो, ये उतारी जाएंगी। हाँ आगे मेरे चोरे गलती से अब किसको जाने कौन जाने, पहले प्रोश क्या फिर अप्रोश क्या, पहले इंद्र नॉलेज उसके बाद पता रहता है क्या। जिनो भगवान ने आज उत्तरार्ध गीता श्लोक में शुरू किया है, तुझे कसरत में वादत की पहचान, जो नरक में एकत्र की पहचान है, तो ऐसे सत्वगुण सत्वगुण के आधार पर ये चोटी कर जाए, ये बड़ा चोटी का ज्ञान जो अनुभव कौन करे भाव इशारा करे, जिसमें सत्वगुण की प्रबलता प्रचुरता एवं अधिकता होगी, जिसमें सत्वगुण अधिकता रजोगुणी नहीं कर सकते, तमोगुणी नहीं कर सकते, क्या करेंगे वो नहीं कर सकते ना, जिनमें सत्वगुण की अधिकता है वो इसको कर देते, शराज शाबा दूसरे नहीं दूसरे बातें बनाते रहे, उनको तो ये बातें सुनने मिल जाएगी, भगवान रोकती है ना, वो मूर्ख है और अकल में खाम कार ना, दूध में डाले उन्हें होश को नहीं सुनने चाहिए, अगर वो कुछ बातें बनाए वो सिर्फ ठोकी तो दूखे चढ़ाने के समान होता है, सुबह पर निराधार बातें उन्होंने कहेंगे निराधार गीदड़ भक्तियां गीदड़ भक्ति, उनकी में कोई असर नहीं होता, कोई मतलब कुछ नहीं होता, शाबाश ये तो सत्वगुण जिनमें जो सत्वगुण संपन्न है वो इस बात पर भर करके, तो उनमें सत्वगुण बड़ा हुआ और उनकी वृत्ति ज्यादातर भगवान की ओर जाती है, आपको ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, अनेक गुणी आ जाते शहर में से, आप वही चुन चुन के रहे हैं जिनमें सत्वगुण की अधिकता है, और क्या 7 लाख की आबादी हो चुकी है, एक गिर हमारा कैंट आपका इर्द गिर्द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी और अपना हमारा सिटी, इन सारों को मिलाया जाए कैंट सिटी एंड आउटस्कर्ट इन सारों के लिए 7 लाख के बाद 7 लाख हाँ उनमें भी कितने 700 कितना मतलब क्या मतलब हो गया पत्थर लाख के पीछे 100 फिर दोनों भगवान कह के चले जाते हैं हजारों में होगा, बल्कि भगवान जी अब हजारों को छोड़ के बोलो बता देने वाले लाखों में होगा, कोई खास काल जिसको फिक्र है हजारों मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित व्यक्ति हजारों में कोई जीव होती है जो भगवान के लिए प्रसाद करती है या अनुभव के लिए अपने दिल जान या प्राण पन्न से जग जाते हैं, अनुभव करने रूप में ही बात है, मैटर में मरे रहे तो क्या होगा, अगर रूपों में मरे रहे तो क्या होगा, रूपों को अपने बनाते रहती है समझते तो क्या होगा, बड़ी हिम्मत वाली क्या होगा, कोई जो प्यार कर रहा है वो भी मर जाएगा, जो प्यार करवा रहा है वो भी मर जाएगा। लेकिन चाचा प्रथम भाई छोड़ गया जी चिट्ठी आई चिट्ठी खोल से आपका करना असम बनना ये बात कर रहा, लेकिन चाचा प्रथम भाई छोड़ गया जी चिट्ठी आई चिट्ठी खोल से आपका करना असम बनना ते अगर हम शरीर से प्यार करते रहेंगे तो प्यार करने वाला भी नहीं रहेगा और जो प्यार किया जा रहा है वो भी रहेगा, तो फिर कौन के शरीर को चला रहा है अजर है अमर है विनाशी है, उधर अपना मन लगा ले उनसे हटा करके वो अनुभव करें और ये अनुभव करके के लिए तैयारी करें, जो कसरत में इबादत की हिंदू धर्म के अनुसार ये चोटियां ज्ञान बुजुर्गो मेरे बच्चों बताओ मेरे बेटियों, जो ननक में एक अर्थ की पहचान इन नाना प्रकार के रूपों में एक भगवान की पहचान पहचान, तो ऐने सतोगन यही अगर चोटियां जा रहा तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है जो नर्क में कर्म दिखा दे, जो कसरत में बाधा दिखा दे, जो प्रवृत्ति में वन मैस को की झांकी दे दे वही चोटियां जा रहा है। इसके बाद सोम बकोम दफ्तर गुप्त, इसके बाद जी भगवान के साथ में तल्लीन हो जाता है या तो समाधि के बाद शरीर छूट जाता है, एक अगर शरीर ना छूटे तो भगवान उनको बहुत ज्यादा रस देकर इससे मस्त रहती है। अच्छा रस भी आए तीन गतियां होती है, समाधि के बाद अनुभव कर लिया या तो शरीर छूट गया हाँ, या शरीर न छूटे तो रस लेते रहते हैं, या फिर मेरे जैसे की अवस्था क्या भगवान रस भी लेती रहती है और अपना काम भी करवाती रहती है,
खुदानी को जगाने के लिए मेरे जैसे को भेज, रास्ती लेता रहो और दूसरों को भी करता रहो, चल चल उनको भी जगाता रहो। तीन ही अवस्था, जैसे ही छूट जाए मेरा चीज नहीं छूटा, या रस दे के मुझे रात में फेंक देते तो भी नहीं किया। अब ये क्या रस भी ले और आने वाले नेक जीवों के लिए ये खुराक दे यही है। मतलब आप भरते रहेंगे ग्रंथ रहेंगे श्री प्रसाद प्यार क्या कोई प्रिय कोई अप्रिय कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल कभी आप कभी जाओ इसी चक्कर में रह जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस चक्कर से अपने आप को छुड़ा लो, छूट छूट के असलियत की चर्चा करो, असलियत को लेकर जाता हूँ जिसके कारण से खुदाई हुई सारे जहां पे गए। वही दात जिससे बड़ा प्यारा फरमान हजूर का, वही दात अल्लाह फरमान की, वही दात जिससे खुदाई हुई सारे जहां पे गए खाई हुई। अगर चाहे तू उस प्रभु का अवसार, क्या तेरी तमन्ना है मैं भगवान उस भगवान के दर्शन करूं जो सृष्टि बना के सारे जहां पे छा गया? हाँ कर दिल चाहता है, है हाँ अगर चाहे हाँ 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 हमारा हाथ तो सुटले की तरह है, सब कुछ सब कहा था भगवान के तरह अगर चाहे तो मेरे को रूम रूम खड़ा रहता है भगवान के अगर चाहे कहता है हाँ उस सुटले की तरह हाँ उस सुटले की तरह। तो भोली भाली देवी बाजार में गई सुटला रहता भगवान का हाँ उसे क्या चाहिए थी विचार, दो प्रकार के विचारों की है, एक आदमी को गुड मॉर्निंग की है और एक दूसरे विचार है कंपनियों का नाम है। तो वो ये भाई भाई ने भाई राम 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 देवी राम राम तेरे पास चाह है हाँ कई चाह है तेरे पास लिप्टन की चाह है हाँ लिप्टन की चाह तो बोला जो हाथ उठा लिया मैंने लिप्टन की चाह फिर फिटे मुंह दिया मैं लिप्टन की चाह करती लिप्टन की चाह बेसमेंट की चाह है ये लिप्टन की चाह तो कंपनी की चाह मांग रही थी उसने जो हाथ करा कहा लिप्टन की चाह है। जब भगवान कहती है क्या क्या अगर चाहे भगवान जिंदगी में आ गए देख लीजिएगा जोरदार तमन्ना है हमारे मन के अगर चाहे तू सुधार का बता क्या करूं रख उसकी मोहब्बत का उसका बन जाता है। कहावत मशहूर है हमारे यहाँ जिथे देखी तवा प्रांत उथे गुजारी सारी हमारे मन में जिसको अहलियत थी या इंपॉर्टेंस थी उसी का बन गया जिसको अहलियत थी और आओ मरने से पहले शरीर छोड़ने से पहले गिले शिकों को गले में फेंक कर हम महत्ता दें भगवान आहो हम भगवान का कोई असलियत है तो भगवान के लिए शरीर तो है कुछ नहीं। भगवान जी की सत्ता है तो शरीर है, भगवान अपनी सत्ता निकाल लेंगे शरीर की महत्ता खत्म, सत्ता गई तो महत्ता खत्म, सत्ता है तो महत्ता है। अगर भगवान की पावर है तो इंपॉर्टेंस शरीर की है, भगवान की पावर गई नो इंपॉर्टेंस होगा बॉडी इस कारण सर इसलिए हर बार बार हमारे जीवन देखे वो जिसके कारण से खुदाई हुई जो सारे जहां पे गए छाई हुई। अगर चाहे तू उस प्रभु का वसान रख उनकी मोहब्बत का दिल में क्या तो वो कैसे बनेगा तो भगवान असलियत बता रहे बांडा खोल रहे हैं कली खोल रहे हैं और कह रहे हैं जा ला मैं तुझे असलियत बताता हूँ कसरत में इबादत की पहचान गए तो ऐनी सतगुरु जी भगवान हमारे पर विशेष उमेर कर रहे हैं। अखिल मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन के दिन याद आ गए हाँ गली मेले में कोई बहन आती थी या कोई अम्मा आ गई तो बूढ़ी अम्मा बूढ़ी माँ जो है दादी अम्मा तो किसी दलीस में बैठ जाती थी किसी का चबूतरा बड़ा हो घर का तो वहां बैठ के मैं खिलाती थी लोग छुप जाना मकई दादा दादा दीदी बेटी आ गए सीख गए तो वो खिलाती थी हाँ तो फिर हम सारे अभी तो घरों से बुला रहे थे आजा बुल्ला आजा भाई बुल्ला आजा भाई काका आजा मनोरी तू आजा रात में खेलेंगे चांदी रात में लुकर छुपर वो दादी अम्मा खिला रही है बड़ी बहन खिला रही है आजा सारे सारे हम निकल आते थे सब निकल जाते खेले तो हमारा पत्रा हो गया हाँ जिनके साथ हमारा यराना होता था हाँ क्या हम ब्लैक मार्केट करते थे क्या ब्लैक मार्केट करता लड़की छोटी छोटी जिनके साथ प्यार है या रिश्तेदारी है या भाई कोई रिश्ता है या दोस्त गली मले रहते उनको मिक्सर करते क्या यार वो मर जाते थे छुप छुप जाते मिलते नहीं थे तो जिनके साथ यराना तो बैठे थे देखो हाँ क्या तू घूमने आकर जाओ खटखट के आओ और जो है ग्राहक की कुछ पाओ ये भी ब्लैक मार्केट जल्दी ढूंढ जाना फिर कहा जहाँ यूं आवाज है ना समझ है कि मेरा आपने खड़ा हुआ तो मुझे ढूंढ ले तेरे के मैच कर करो तुझे कहीं खड़े पड़ेंगे हाय तो बड़ी मौत होती थी तो जब हम गुजरते ना आगे तो वही तो पानी आपसे देख रहा होता कि खड़ा है या दरवाजे की क्रैश होती है बीच में चीर होते हैं दरवाजे के उसमें से देख लेते नहीं जा रहा है तो फिर हम आगे नहीं मिलते जान भी के ब्लैक मार्केट करें नहीं मिलते नहीं मिलते नहीं मिलते नहीं मिलते तो इसको आप आजकल के शब्दों में तस्करी कह लेंगे तस्करी
ये गवर्नमेंट के टैक्स बचाने की चोरी, तो ये जरा चोरी हो गई है, चलो खेत सारे निकल आए और बारिश शुरू होगी। इसी तरह भगवान अपने मिलने की नॉकिंग कर रही है, नॉकिंग अपने मिलने की जान बता रही है। क्या बता रही है? अरे धक्के न खा, अरे जलील ना हो, कसरत में वादत की इस निनक तुम्हें नहीं छिपा हो। जैसे दरवाजे की ओट के अंदर खटखट कर देते हर थोड़े देर मेरा दोस्त इसके पीछे है, मैं ढूंढ कर धक्के न खाओ, इतनी लंबी गली और सारे छिपते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैंने तो पता नहीं, मुझे तो वो बड़ी अम्मा दादी अम्मा ने आंखें बंद करके सबको कह दिया, लोग कब जाना मैं कहीं जाना राजे की बेटी आई गए, तो मेरी तो आंखें बंद थी, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, अब कहां उनकी लंबी चौड़ी गली है, हाँ गली बड़ी लंबी होती थी, बड़ी लंबी लंबी गली, तो कहां तक ढूंढते रहे, दोनों तरफ घर है, बीच में गली है, अब कहां धक्के खाए, जा खटखट भगवान कहते कहां धक्के खाना है, जा खटखट को मेरी तलाश कर, कौन सी खटखट, कसरत में वादत की, पहचान के फिर भी न समझ आए तो खटखट करते थे तो नहीं सुनते थे, जब आगे जाते थे तो फिर जान बुझ के कर चाहे खांसी हो या ना हो, तो पता है तो भगवान खांसी का कर रही है, सनर्जन में वो आत्मा मिल जाती है जानदारों के हाथ अशी।